अरे क्या हुआ? अरे आता हूँ आता हूँ। नाश्ता तो करते जाओ। तो किधर जा रहे हैं? अरे भैया काहे परेशान हुआ, परमिशन हो हमारे पास। ठीक है। हो गया काम। चलिए काशी। ए काशी, क्या बात है गुरु, तेरे नाम पिक्चर के राधे लग रहे हो, डिट्टो। अच्छे भले आदमी को पगला बना दिया। वो क्या बोला था अंग्रेजी में, साइको किलर? अबे तुमको तो खुश होना चाहिए, बड़का बड़का फिल्म के हीरो लोगों को ये उपाधि नहीं मिलता है। माँ बाबा का कोई खबर? माँ बाबा मंदिर मंदिर घूम रहे थे तुम्हारे लिए, वापस आ गए हैं। एक ठो बात पूछे ना? कहेंगे तो का नहीं पूछोगे? एक बात बताओ। हाँ? माँ गंगा बाबा से सच्ची मिले हो ना तुम? सच्ची मिले हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? ना जाने जरा डाउट सा हो रहा है। ए खासी, पगलवन के चक्कर में सही तो नहीं ना पगला गए हो? बताओ माँ कैसी दिखती है? माँ इका सवाल पूछ रहे हो यार? बताओ ना कैसी दिखती है माँ? माँ माँ बूढ़ी है। हाँ। वो आगे के बाल पक गए हैं। हाँ। और गोरी गोरी है। ठीक है। हाँ। हाँ। लेकिन उसके आगे के दो दांत नहीं, वो तो देखे हो ना? अरे भाई उम्र के साथ दांत साथ छोड़ देते हैं। देखे हो कि नहीं? बिल्कुल देखे हैं यार। माँ के दांत है रंगीला। अरे भाई तुम अपने जिस बहन गंगा को इतने दिन से ढूंढ रहे हो वो तो ये रही, लो ये देखो। और इसके चक्कर में तुमने मेरा क्या हाल कर दिया यार? अरे जरूर है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये गंगा नहीं ये देवीना है। अरे नहीं भाई मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये तुम्हारी बहन गंगा ही है, यही तो मेरे पास आई थी अपने और अभिमन्यु के शादी की अर्जी देने, और उसने अपना नाम गंगा बताया था। इतना खुश मैं कभी नहीं था। सच में जिंदगी में पहली बार हारने पर जश्न मना रहा हूँ मैं। तो सर अगर हार के भी जीतने का एहसास हो तो फिर पार्टी तो बनती है ना। देवीना दीदी क्या सोच रही हो? आओ ना लेट्स सेलिब्रेट अ विक्ट्री। ये लो। Cheers to our victory. Cheers. जीत कर भी हारा हुआ महसूस हो रहा है। पर क्यों दीदी? काशी I don't know, I'm feeling bad for him. देखो देवीना हमेशा युद्ध में मरने के लिए प्यादे को ही भेजा जाता है। काशी प्यादा नहीं था। तो दीदी आर यू इन लव विथ हिम? देवीना ये इमोशनल होकर प्यार व्यार में मत पड़ो, माँ मुश्किल से तुम इस केस से बची हो, तुम्हारी जरा से भी लापरवाही हम सबको लेकर डूबेगी। इतनी नजदीकी मुझे किसी और से नहीं हुई है, कब काशी से अटैचमेंट हो गया मुझे मुझे पता ही नहीं चला। दीदी पर आप क्या करोगी,
काशी तो जिंदगी भर के लिए जेल में बंद है ना। मैं निकलवाऊंगी उसे, उसका ट्रीटमेंट वॉल के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगी। दीदी बहुत देर हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकती। कभी सोचा है काशी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? मैं खुद उससे बताऊंगी, वो मुझे माफ कर देगा। काशी, तुमसे कोई मिलने आया है। कैसे हो काशी? हम कैसे, वैसे पगलेट। तुम जानती थी ना, आई एम सॉरी काशी। मैंने तुम्हें बचाने की हर कोशिश की। प्यार करते थे तुमसे, यह सिला दिया। अच्छा खासा जी रहे थे हम, जिंदगी तबाह कर दी हमारी। क्या है क्या है? मैं बनारस एक मकसद से आई थी और मुझे तुम दिखे। इंटरव्यू हमारे बारे में क्या है? क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे बनारस से रूबरू करा सकते हो। ये हमारे बाबूजी हैं। नहीं, आज काम ढेर आ गया था। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे मिशन के लिए सही आदमी हो, और एक मनोचिकित्सक की तरह मैंने तुम्हारे दिमाग पर काबू किया। मैंने देखा कि तुम गंगा से बेहद प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो गंगा से। जान बसती है गंगा में हमारी। मैंने तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल किया और तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली। श्रुति, जिसे मैंने गंगा की सहेली कहके तुमसे मिलवाया था, वो दरअसल मेरी बहन। पर दीदी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस गंगा की दोस्त बनकर एक कहानी सुनानी होगी जो मैं तुम्हें बोलूं, और उसने तुम्हें गंगा और अभिमन्यु की एक नकली प्रेम कहानी सुनाई जिसे तुम मान गए। मैं जानबूझकर लखनऊ गई और तुम्हें कोर्ट भेज। जी मैडम। जी, एक शादी की अर्जी देनी थी। लड़के का नाम क्या है? अभिमन्यु पांडे। और आपका? गंगा चौधरी। गंगा चौधरी। तुम्हारे यकीन को और पक्का करने के लिए बलवंत के घर के बाहर हम दोनों के ऊपर गोली भी चलवाई, और मैं रंगीला से भी मिलने गई थी। देखो रंगीला, काशी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। उसे ऐसा लगने लगा है कि गंगा गायब हो गई है। हमें उसे संभालना होगा, नहीं तो इस बीमारी में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जानलेवा हो जाता है। इसलिए शायद काशी ने बबीना और उसके दोस्तों को बहुत मारा। अरे बाप रे, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना होगा मैडम जी? जैसा मैं कह रही हूँ तुम और तुम्हारे दोस्त वैसा ही करो, नहीं तो काशी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मैं हर पल डॉक्टर से सलाह कर रही हूँ। मैडम जी, आप जैसा कहिएगा हम लोग करेंगे। और वो जो गंगा की लाश मिली थी, वो
वो दरअसल ये क्या है? मुझे एक लावारिस लाश चाहिए, लड़की की। लावारिस लाश कहे? तुम्हें उस लाश को वही कपड़े पहनाने हैं जो मैं तुम्हें दूंगी, और उसे किसी गुमनाम जगह पर छोड़ देना है। मैडम काम बड़ा है, पैसा भी ज्यादा लगेगा। ये 10,000 है, बाकी के काम होने के बाद। और हाँ, मैं कपड़े भिजवा दूंगी। मैं जो कपड़े गंगा के लिए लाई थी वो मैंने बबीना को दे दिए। चुम्मन चाचा, बबीना और उसके दोस्त सब सच कह रहे थे काशी। एक भोले भाले इंसान को कातिल बना दिया तुमने, आखिर क्यों? बदला, मुझे बलवंत से बदला लेना था। कैसा बदला? बलवंत मेरे पिता का बिजनेस पार्टनर था। मैं कुछ 8 साल की रही होंगी। सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने मेरे पिता और मेरे भाई को भी मार दिया। और माँ वहां से भाग निकली। 15 साल बाद मैंने अपने भाई और पापा की मौत का बदला लिया। मतलब वो जो गार्ड बोला था वो भी झूठ था? हाँ काशी, जैसा मैंने कहा उच मैंने तुम्हें वही बताया। इत्तेफाक देखो, बलवंत और अभिमन्यु की मौत वैसे ही हुई जैसे मेरे भाई और पापा की हुई थी। कोर्ट में जब बलवंत से तुम्हारी बहस हो रही थी तब मैंने अच्छा किया तुमने। काशी, हमने साला तुमसे मोहब्बत किया और तुमने हमारे भरोसा का ही खून कर दिया। मोहब्बत से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा मैडम। नहीं काशी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे तब भी मोहब्बत करती थी और अब भी करती हूँ। एक और झूठ? नहीं चाहिए ऐसा प्यार। अब किसे मरवाना चाहती हो? काशी मैं झूठ नहीं बोल रही काशी, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है? है? तुम्हारे ये घड़ियाली आंसू हमको पिघला देंगे। बंद करो ये नाटक। झूठ नहीं बोल रही। ना 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 रोमन रोमन ना 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 रोमन रोमन जिंदगी भर लाश जलाते रहे, लोग रोते थे हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे रोने से हमें फर्क पड़ता है। जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और हम जानते हैं कि तुम भी हमें प्यार करती हो। जिंदगी हम दोनों के साथ ऐसा खेल खेलेगी हम सोचे नहीं थे। बाबा गंगा सब छीन लिया तुमने। सॉरी, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। महादेव की कसम, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। Huh?
लेकिन महादेव को ये मंजूर नहीं, नहीं। और महादेव का लिखा कोई टाल नहीं सकता। नहीं, नहीं, कष्ट। महादेव का लिखा गया कोई टाल नहीं सकता। पता नहीं ये क्या करता रहता है, जब देखो चम्मच पीसता रहता है।